नमस्कार, मैं यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं बालाघाट न्यूज़। जिस तरह से देश और प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है, सरकार के द्वारा कोरोना पर सख्ती बरतते हुए नई गाइडलाइनें और नियमों में भी लगातार परिवर्तन किया जा रहा है। 17 मार्च को सरकार ने प्रदेश के 3 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था। 21 मार्च को सरकार ने 11 शहरों में संडे लॉकडाउन की घोषणा की थी। वही अब 8 अप्रैल से सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में 2 दिवसीय लॉकडाउन की घोषणा की है, जो आज शुक्रवार के शाम 6 बजे से प्रभावी हो जाएगा। लेकिन इस लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ तैयारियां है प्रशासन की और क्या कहते हैं शहर के व्यापारी, आइए देखते हैं बालाघाट न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। और पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेके शनिवार, इतवार और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा। कोरोना की सेकंड वेव को लेकर कल आपात बैठक हुई, जिसमें क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को कुछ दिशा निर्देश दिए गए। क्या लॉकडाउन लगने की संभावना है सर बालाघाट? ये शासन के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे कि शासन के निर्देशानुसार संडे लॉकडाउन कर दिया है, शनिवार की रात से जो मंडे तक का लॉकडाउन है सुबह तक का, वो बालाघाट जिले में भी लागू होगा। दूसरा, शासकीय कार्यालय सिर्फ 5 दिन कार्यरत होंगे, शनिवार रविवार का दिन ऑफ रहेंगे। ये जो निर्देश पर हमें प्राप्त हुए हैं, बाकी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के 8:15 बजे VC है रात में, तो उसके बाद जो निर्देश प्राप्त होंगे उनका पालन जिले में किया है। हम बालाघाट नगर के गुजरी बाजार में मौजूद है, आइए जानते हैं इन व्यापारियों से शुक्रवार की शाम से जो लगने जा रहा है 2 दिन का लॉकडाउन, इसे लेकर आखिरकार व्यापारी क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? ऋषभ कोचर। कोचर जी, बताएंगे कल से सरकार ने निर्णय लिया है कि कल शाम 6 बजे से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, 2 दिन का लॉकडाउन घोषणा की है, किस रूप में देखते हैं इसे, क्या जरूरी मानते हैं, नहीं मानते हैं? मैं नहीं मानता, वैसे ही लोगों के धंधे पानी नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत परेशान है जी लोग। किस तरह से परेशान है लोग? बहुत परेशान है लोग। क्या नाम है आपका? अनिल सेन। अनिल जी, ये बताएंगे कल से सरकार ने फिर से लॉकडाउन का निर्णय लिया है, 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा, आप किस रूप में देखते हैं इसको? लॉकडाउन तो लगना चाहिए, लेकिन क्या कोई टाइम की छूट देना चाहिए। किस तरह से टाइम की छूट देना चाहिए? यानी 5 बजे तक। 5 बजे तक? हाँ, 5 बजे तक। दिन भर मतलब दुकानें खुली रहना चाहिए, रात में लॉकडाउन रहना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, फुल लॉकडाउन है क्या? अच्छा, आप व्यवसाय करते हैं छोटा मोटा, किस तरह, क्या स्थिति इस समय व्यवसाय की? व्यवसाय तो बहुत कम है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम होलाराम चांदवानी। चांदवानी जी, जरा बताएंगे सरकार ने जो निर्णय लिया है 2 दिवसीय लॉकडाउन का, किस रूप में देखते हैं आप? हाँ, इधर इधर थोड़ा सा देखेंगे, बताएंगे। हाँ बोलो ना जी। सरकार ने जो निर्णय लिया है 2 दिवसीय लॉकडाउन का, किस रूप में देखते हैं आप? ठीक है ना, तो 2 दिन का सही है ना, तो 2 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए। वैसे तो 1 दिन का सही है, इतवार का हफ्ते में 1 दिन सही है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सरकार नियम बदलते जा रही है, पहले 1 दिन का ही था, फिर 2 दिन। नहीं तो यहाँ पे थोड़ी है कोरोना ज़्यादा बालाघाट में। अच्छा, बालाघाट में यहाँ कम है कोरोना के मरीज, लेकिन बड़े जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे 2 दिन, यहाँ कम है तो वहाँ 1 दिन। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। मोहम्मद भाई, बताएंगे जिस तरह से सरकार ने निर्णय लिया है 2 दिवसीय लॉकडाउन का, क्या कहते हैं आप, क्या सोच रहे हैं आप लोग? सर एक हिसाब से देखा जाए कोरोना को देखते हुए डिसीजन सही है सर, मगर क्या है, व्यापार तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है सर, क्योंकि 1.5 साल से स्थिति इतनी बुरी हो गई है, लोगों का पैसा भी नहीं है सर, कहाँ से लाएगा पैसा इंसान, क्योंकि बीमारी भी घातक है ना सर। ये भी सही है एक किस्म का देखा जाए तो, जो शासन जो फैसला ले रहा है बहुत सही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रोजी रोज बस ऐसा है कि जो रोज़मर्रा जो हम लोग हैं सर, उनमें बस हमको जो हम रोज़ कमाने खाने वाले हैं सर, क्योंकि हम लोग फुटपाथ में बैठे हैं, हमको जब तक रोजी नहीं पकेगी, हमारा घर गृहस्थी बिल्कुल यानी ठंडे बस्ते में चले जाता है, हम कैसा अपना मेंटेन करते हैं वो हम जानते हैं। अब बीमारी है, बीमारी इतनी बड़ी बीमारी है तो हमको तो समझना पड़ेगा, दुकान बंद रखना पड़ेगा, काम धाम तो वैसे ढीले है, फिर भी हम लोग चलाएंगे काम धाम बंद। क्या सरकार को राहत भी देना चाहिए कुछ छोटे व्यापारियों को, जिस तरह बिल्कुल काम धंधा बिल्कुल देना चाहिए, राहत मिलनी चाहिए, जैसे अभी लॉकडाउन कर रहे हैं तो सही है, डिसीजन सही है उनका, यानी राहत ऐसा देना चाहिए सर, जैसे कोई अपने को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ राहत मिलना चाहिए, जैसे
कुछ पैकेज हमको भी मिले तो हम जी हम लोग को तो, क्योंकि सर इसमें ही सब कुछ है सर हमारा। किस तरह का पैकेज मिलना चाहिए कम से कम, क्या लगता है आपको? अब सर जैसे खाने पीने की जो चीज़ होती है घर में, जो राशन पानी होता है, बस उसका ही टेंशन है सर। या तो करा रही सस्ते में अनाज, फ्री में अनाज तो बांटी है सर। ऐसा तो मिलता है सर, मगर वही है वहाँ पे भी ऐसा लाइन लगाना पड़ता, कभी मिला कभी नहीं मिला, ऐसा रहता है। तो क्या नाम है आपका? सुनीता सोनी सर। सुनीता जी, क्या क्या चीज़ का व्यवसाय करते हैं आप? कपड़े की दुकान है। कपड़े की दुकान है। क्या लगता है सरकार ने जो निर्णय लिया है, संतुष्ट है आप? नहीं है, छोटा व्यापार चला, क्या करेंगे अब? बंद रखेंगे तो रखना पड़ेगा, क्या बंद रखोगे? अच्छा, सहयोग करोगे प्रशासन को? जरूरी है क्या नहीं लॉकडाउन आपको? क्या कोरोना को देखते हुए? कोरोना के देखते हुए तो होना ही चाहिए, एक दो दिन बीमारी घाता होना चाहिए। क्या नाम आपका? रवि आहूजा। आहूजा, आप ये बताएंगे किराना व्यापारी है जो सरकार ने जो निर्णय लिया है, किस रूप में देखते हैं इस निर्णय को आप? सर निर्णय तो अच्छा है, जिस हिसाब से कोरोना बढ़ते जा रहा है, बाकी संडे के दिन लॉकडाउन एक दिन रहेगा तो और बेहतर है, दो दिन क्या है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और अपन चैन को तोड़ रहे हैं ना, तोड़ना चाहते तो एक दिन भी ठीक है, बाकी अपन देखेंगे कोरोना। इस निर्णय से खुश है आप? लॉकडाउन होना चाहिए? नहीं सर, नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से, पहले ही व्यापार की स्थिति बहुत डगमगाई हुई है, तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। एक दिन का लॉकडाउन होना, एक दिन का होना चाहिए, दो दिन का नहीं होना चाहिए सर। अच्छा, एक दिन का होना। हाँ, गिरधारी सावलानी मेरा नाम। सावलानी जी बताएंगे क्यों दुखी है कपड़ा व्यापारी? क्या लॉकडाउन की वजह से पूरा बिजनेस बैठ गया, और उसके बाद जो मेन सीजन रहती है शादी ब्याह की, इसी समय जैसे शादी ब्याह की सीजन है फिर लॉकडाउन हो रहा है, उसकी वजह से पूरे व्यापारी बैठ गया है। क्या जो आदमी कपड़ा शादी में लेता है, यहाँ तो दिवाली तीज त्यौहार में लेता है, बाकी समय तो कोई नहीं लेता। तो एक दो दिन के लॉकडाउन से तो ज़्यादा स्थिति, एक दो दिन से लॉकडाउन से कोई स्थिति नहीं डगमगाती। हम चाहते हैं ये सप्ताह में एक दिन भले बंद रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे हम सहमत है। बाकी यह है कि आप दो दिन बंद रखो, तीन दिन बंद रखो, कभी भी आओ, शाम को आ जाओ, दुकान बंद करो, ये गलत बात है। कोरोना संक्रमण कर क्या कहेंगे, क्या भाई जैसा जैसा नेता लोग कह रहे हैं कि भाई लॉकडाउन करना चाहिए, वो सही है, पर एक दिन का, हम भी चाहते हैं कि एक दिन हम भी छुट्टी मारें भाई। देश प्रदेश में जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ तो कोरोना संक्रमित नहीं हो रहा है, जहाँ नहीं हो रहा है वहीं हो रहा है। राजनीति है सर, ये सब राजनीति का खेल है। राजनीति है, किस तरह की राजनीति है ये? तो सर देखे बड़े बड़े नेता है लोग, अब किस तरह की राजनीति, हम तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। नहीं, आप बोल रहे हैं ना राजनीति हो रही है, नहीं तो अब सर व्हाट्सएप में और इंस्टा में सब चल ही रहा है वो। अच्छा, हाँ क्या चल रहा है? कि जहाँ पर चुनाव रैलियाँ निकल रही है वहाँ पे नहीं है। अच्छा, कोरोना अभी 18 साल का नहीं हुआ है, वो चुनाव नहीं देने पर जाएगा, स्कूलों में जाएगा, पढ़ रहा है अभी स्कूलों, ये सर सोशल मीडिया सब चल ही रहा है ये सब। तो दो दिवसीय कोरोना लॉकडाउन के निर्णय पर व्यापारियों का अलग अलग मत है। कुछ व्यापारियों का कहना है कि यह जो लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है यह सप्ताह में एक दिन का होना चाहिए, व्यापार को लॉस नहीं होना चाहिए। पिछली बार जो लंबे समय तक लॉकडाउन चला उससे कई व्यापारियों को व्यापार में नुकसान उठाना पड़ा है। कुछ व्यापारी यह भी कह रहे हैं कि यह राजनीतिक स्टंट है, जहाँ पर चुनावी रैलियाँ हो रही है वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है, लेकिन जहाँ कुछ नहीं हो रहा है वहाँ सिर्फ कोरोना फैल रहा है, इस तरह भ्रामक जानकारियां भी लोगों के बीच सुनने मिल रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के निर्णय से व्यापारियों का एक तबका खुश है तो दूसरा तबका नाखुश भी है, और वे मांग कर रहे हैं सरकार से कि लॉकडाउन वे करें, लेकिन इसके नियम जो है और कोरोना गाइडलाइन का जो पालन कराने के प्रशासन के द्वारा कदम उठाए जाते हैं यह सभी पर समान रूप से लागू हो, किसी अमीर या गरीब को देखकर यह नियम न बनाया जाए। बालाघाट न्यूज़ के लिए आप देख रहे थे यमलेश वंजारी की रिपोर्ट।